गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डिवीजन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस. सो नाउ हियर बेस इज सेम. सो इन द प्रीवियस वीडियो वी लर्न मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डिवीजन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस. अब दोनों में भी बेस सेम है, वहां पे मल्टीप्लीकेशन किया था, अब हम डिवीजन लर्न करेंगे. सो फर्स्ट लुक एट हियर फर्स्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 1, 6 raised to 4 डिवाइड 6 raised to 2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क्स. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स. सो फर्स्ट वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू अरेंज इट. 6 raised to 4 डिवाइड बाय 6 raised to 2. तो ये फर्स्ट वी हैव टू अरेंज इट एंड आफ्टर दैट look at here how many times 6 here 4 time. So we have to write here 6 in multiplication form 4 time. Okay, then next divide me 6 2 times 6 multiply 6. So now here first 1 6 1 6 will get cancelled because in numerator and denominator 6 here. So again second one also cancelled in numerator also and denominator also, but in numerator there are 2 6 extra. So here 6 multiply 6 remains 6 raised to 4 6 raised to 2. So 6 raised to 2 remains. So here one more method. So now we have to solve. If 6 raised to 4 and 6 raised to 2 here, then what we have to do? We have to do subtraction 6 raised to 4 minus 2. अब multiplication में हमने addition किया था, division में हम subtraction करेंगे. So 6 raised to 4 minus 2. 4 minus 2 is 2. तो ये answer same आया. तो ये क्या है? हम according to our formula, this is our answer. So same for here example. So I am going to solve here. So this one. So minus 2 raised to 5 divide by. So ye division mein kya hai? Minus 2 raised to 3. So minus 2 how many times? 5 times. So write here first minus 2 5 times. So here no place, then also I am going to write here minus 2 and then divide me how many times? 3 times. So minus 2 multiply minus 2 multiply minus 2. Now here 1 minus 2 1 minus 2 cancel. So here 3 minus 2 1 2 3 then 1 2 and 3. 3 minus 2 cancel and then here minus 2 minus 2 2 times remains here minus 2 multiply minus 2. अब देखो यहाँ पे 3 था और ऊपर 5 थे, तो ये 5 में से 3 कैंसिल हुए और यहाँ पे 3 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 2 टाइम्स रिमेंस है, तो ये क्या आएगा? माइनस 2 रेस टू 2. सिमिलरली हियर माइनस 2 हमें फाइंड करना है, तो ये फर्स्ट माइनस 2 रेस टू 5 देन माइनस 2 रेस टू 3 इक्वल्स टू. So we have to write minus 2 raised to 5 minus 3 equals to minus 2 raised to 5 minus 3 is 2. So this is our answer by formula. So now we are going to learn here one formula. So first look at here. If A is a non zero rational number, m and n are positive integers and m is greater than n, then a raised to m a raised to n equals to a raised to m minus n. So now all of you look at here. First
इफ ए इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, मतलब ए क्या है, नॉन जीरो रैशनल नंबर है, मतलब वो जीरो नहीं है. एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, एम एंड एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है. एंड एम इज ग्रेटर देन एन, एम क्या है, ग्रेटर देन एन है. सो ए रेस, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, ए रेस टू एम डिवाइड बाय ए रेस टू एन इक्वल्स टू ए रेस टू एम माइनस एन. तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है. सो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न सम प्रॉपर्टीज. फर्स्ट द मीनिंग ऑफ ए रेस टू जीरो. अब ए रेस टू जीरो मीन्स क्या है, वी आर गोइंग टू लर्न. फर्स्ट इफ ए इक्वल टू नॉट, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए क्या है, जीरो नहीं है. नॉट इक्वल मीन्स ए जीरो, ए का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं है. देन ए रेस टू एम, ए रेस टू एम. अब ये क्या है, ए रेस टू एम, और ए रेस टू एम अगर हुआ तो उसका वैल्यू क्या है, वन आएगा. वन क्यों आएगा, सो फिर वी हैव टू सी दैट. फर्स्ट ऑल्सो ए रेस टू एम, ए रेस टू एम इक्वल्स टू ए रेस टू एम माइनस एम इक्वल्स टू ए रेस टू जीरो. सो हियर ए रेस टू एम है, ए रेस टू एम है. अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला ए रेस टू एम डिवाइड बाय ए रेस टू एन इक्वल्स टू ए रेस टू एम माइनस एन. सिमिलरली हियर ए रेस टू एम डिवाइड बाय ए रेस टू एम, सो ए रेस टू एम माइनस एम, एम माइनस एम मीन्स जीरो, सो ए रेस टू जीरो. एंड हियर ए रेस टू जीरो मीन्स वन. ओके, सो देयरफॉर ए रेस टू जीरो मीन्स वैल्यू इज वन. सिमिलरली वी हैव टू सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द मीनिंग ऑफ ए रेस टू माइनस एम. अब ए रेस टू माइनस एम कब होगा वो हमें देखना है. सो फर्स्ट ए रेस टू माइनस एम इक्वल्स टू ए रेस टू माइनस एम 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 मल्टीप्लाई बाय वन. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे वन से. अब वन का वैल्यू क्या था यहाँ पे, ए रेस टू एम डिवाइड बाय ए रेस टू एम. सो अगेन वी हैव टू राइट फर्स्ट ए रेस टू माइनस एम एज इट इज, और ये वन के जगह हम क्या लेंगे, ए रेस टू एम डिवाइड बाय ए रेस टू एम. देन वी हैव टू राइट हियर ए रेस टू एम प्लस एम. तो ये माइनस एम है तो इसे हम यहाँ पे माइनस एम लिखेंगे और मल्टीप्लीकेशन विद दिस वन. सो वी नो इफ देयर इज मल्टीप्लीकेशन साइन, सो वी हैव टू राइट, वी हैव टू डू एडिशन. तो ये माइनस एम है नॉट प्लस एम, सो माइनस एम हियर एंड हियर ए रेस टू एम. तो ये वाला ए रेस टू एम एज इट इज यहाँ पे आएगा, और ये ए रेस टू माइनस एम मल्टीप्लाई ए रेस टू एम, जो ये यहाँ पे न्यूमरेटर में है उनका क्या होगा, ए रेस टू माइनस एम प्लस एम. देन ए रेस टू माइनस एम प्लस एम, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो. ए रेस टू जीरो आएगा क्योंकि माइनस एम प्लस एम हुआ तो सब्ट्रैक्शन होगा और जीरो आएगा. सो ए रेस टू जीरो अपॉन ए रेस टू एम. वी नो दैट ए रेस टू जीरो मीन्स वन. ए रेस टू जीरो का वैल्यू क्या है, वन. सो यहाँ पे ए रेस टू एम एज इट इज, और फिर ये आएगा ए रेस टू माइनस एम इक्वल्स टू वन अपॉन ए रेस टू एम. देयरफॉर सो दिस इज अवर सेकेंड वैल्यू, दिस इज अवर फर्स्ट वैल्यू. देन यू हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टीज वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. Now we are going to solve again few examples. Here example number 3. If suppose there are 6 raised to 3 divided by 6 raised to 6. So now I am going to take here minus 6. Okay. Minus 6. Now look at here.
in previous examples, first look at here previous examples. Here first number power is greater than second number power. तो ये क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 बड़ा है 2 से. सेम यहाँ पे 5 है फर्स्ट नंबर एंड देन नेक्स्ट नंबर में 3 है पावर, तो 5 बड़ा है. अब यहाँ पे उल्टा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट छोटा है मीन्स 3, जो फर्स्ट नंबर का पावर है वो छोटा है और सेकेंड नंबर का पावर क्या है डिनोमिनेटर में, वो डिनोमिनेटर का पावर बड़ा है. तो हम देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे. सो नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू हियर, फर्स्ट अरेंज इट -6 raised to 3 डिवाइड बाय -6 raised to 6. सो हियर अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, सो व्हाट इज दैट आवर फॉर्मूला, फर्स्ट वी हैव टू राइट अ फॉर्मूला a raised to n इक्वल्स टू a raised to m माइनस n. देन हियर -6 raised to 3 अपॉन -6 raised to 6 इक्वल्स टू -6 raised to 3 माइनस 6. इट अभी 3 माइनस 6 क्या होता है, यहाँ पे -3 आएगा, -6 raised to -3. और अगर हम इसे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तो भी होगा. अभी ये -6 हाउ मेनी टाइम्स, या 3 टाइम्स. सो फर्स्ट राइट -6 3 times मल्टीप्लीकेशन फॉर्म एंड देन इन डिनोमिनेटर -6 6 times -6 1 time 2 time 3 time 4 time 5 time एंड देन 6 time. अब यहाँ पे 3 time है, 1 2 3 नीचे भी 1 2 3, कैंसल इट फर्स्ट एंड देन चेक हाउ मेनी रिमेन्स 1 2 3. तो अब यहाँ पे क्या आया, 1 upon -6 हाउ मेनी टाइम्स, 3 times. तो अब देखो therefore 1 upon -6 3 times इक्वल्स टू -6 equals to -3 raised to -3 -6 raised to -3. तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रहा है a raised to -m. तो देखो यहाँ पे 6 raised to -3 है, देन इक्वल्स टू 1 upon a raised to m. तो यहाँ पे है 1 upon -6 raised to +3. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट which is based on the division of indices with the same base in the next lecture. Thank you.